बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल इन वन डायमेंशन जो है ना वो डिस्कस हो रहा था लास्ट में कुछ कैलकुलेशन हम लोगों ने की थी uh, क्या किया था हम लोगों ने हम लोगों ने फर्ज किया था कि दो बाल जिनके मैसेज एम वन और एम टू हैं ठीक है ठीका? दो बाल जिनके मैसेज एम वन और एम टू हैं वो पहले जो है ना वो अलास्टिक वी वन से मूव कर रहे थे

ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया था यू कैन सी हियर, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया था हम लोगों ने और फिर ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करके इक्वेशंस को ना सॉल्व करके तो 3.16 इक्वेशन हमारे पास आई थी वेलोसिटीज की टर्म में okay, ये बाल एम वन की वेलोसिटीज हैं और ये बाल एम टू की वेलोसिटीज हैं ठीक ये इक्वेशंस आई थी अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हमें दोनों बाल जो हैं उनके मैसेज का भी पता हो और टकराने से पहले उनकी विलास्टिस का पता हो तो टकराने के बाद हम लोग बाल्स की विलास्टिस जो है ना उनको कैलकुलेट कर सकते हैं और उनकी कैलकुलेशन के लिए कुछ जो है ना हम लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं फार्मूलाज वगैरह तो उस सिलसिले में जो हम लोगों ने प्रीवियस कैलकुलेशन की थी इसको आगे बढ़ाते हैं 3.16 इक्वेशन में से को जो है ना वो अगर सॉल्व किया जाए थोड़ा सा इसको जो है ना वो रीअरेंज किया जाए तो वो मैं लिख सकता हूँ आप जो है ना वो यहाँ से कह सकते हैं कि ये वी टू जो है ना इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं अगर ये वी टू इक्वेजन के दूसरी तरफ आए तो ये इक्वेजन बन जाएगी वी वन प्लस वी वन प्राइम माइनस वी टू इज इक्वल टू वी टू प्राइम ये V2 की वैल्यू हमारे पास आ गई अब हम लोगों ने V2 टू प्राइम की ये वाली वैल्यू जो है ना इसको इक्वेशन 3.14 में जो है ना पुट करना है पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3.14. Putting this value पुटिंग दिस वैल्यू इन क्योंकि मैं माउस के पॉइंटर से ये राइटिंग जो है ना वो कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है इसी तरह से जो है ना इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा हमें अच्छा आ, जो है उसको दोबारा लिखते हैं और उसमें जहाँ पे वी टू प्राइम है उस जगह पे ये वाली वैल्यू रख देते हैं थ्री पॉइंट वन फोर इक्वेजन मोमेंटम कंजर्वेशन से आई थी और वो ये है ठीक है लेट मी राइट थ्री पॉइंट वन फोर इक्वेजन है हमारे पास एम वन वी वन माइनस वी वन प्राइम इज इक्वल टू एम टू वी टू प्राइम माइनस वी टू ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है इक्वेशन थ्री पॉइंट वन फोर को मैंने दोबारा से जो है ना यहाँ पे लिखा है Well, जी आ, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने v2 टू प्राइम जो यहां पर लिखा हुआ है ना ये जो आपको नजर आ रहा है v2 टू प्राइम इस v2 टू प्राइम की जगह पे ये वाली वैल्यू v2 टू प्राइम की हम लोग पुट करने जा रहे हैं सो so, ये चीज बन जाएगी हमारे पास फिर m1 v1 वन माइनस वी वन प्राइम इज इक्वल टू एम टू मैं ना ब्रैकेट ब्रैकेट मैंने यूज की है इसको आप बड़ी ब्रैकेट बोलते हो और कोई और नाम भी इसका होगा बड़ी ब्रैकेट मैंने यूज की इसलिए क्योंकि मैं ना वी टू प्राइम की जगह पे ये वाली वैल्यू जो है वो अंदर जो है वो करने जा रहा हूँ तो वी टू प्राइम की जगह पे मैं ये सारी वैल्यू जो है ना वो लगा देता हूं वी टू प्राइम की जगह पे आ जाएगा वी वन प्लस वी वन प्राइम माइनस वी टू और ये वाला बात वाला जो है ना ये तो इतनी तो जो मैंने वैल्यू लिखी है ये तो थी ना हमारे पास v2 टू प्राइम की अब ये यहाँ से ये वाली चीज माइनस दूसरे वाला भी v2 टू यहाँ पे जो है ना वो मैंने लिख दिया सॉरी ये तो हमें ब्रैकेट जो है वो well ये इसको ओपन कर लेते हैं मजीद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज बन जाएगी एम वन इस तरफ बन जाएगा एम वन वन माइनस एम वन वी वन प्राइम इज इक्वल टू चलिए इसको पहले अंदर ओपन कर लेते हैं बाद में मल्टीप्लाई करते हैं एम टू v1 वी वन प्लस वी वन प्राइम माइनस वी टू माइनस वी टू सो so, ये हमारे पास माइनस वी टू माइनस वी टू ये टू जो ना माइनस टू वी टू बन जाएगा तो चलें इसको फर्दर यहां पे लिख लेते हैं एम टू v1 वी वन प्लस वी वन प्राइम माइनस टू वी टू ये चीज आ गई अच्छा यहाँ पे तो इस चीज को तो हमने मल्टीप्लाई अंदर जो है ना वो एम वन को कर लिया हुआ है तो यहाँ पे एम टू को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो इक्वेशन बनती है उसको लिखते हैं और वो इस तरह से बन जाएगी एम वन वी माइनस एम वन वी वन प्राइम इज इक्वल टू एम टू वी वन प्लस एम टू वी वन प्राइम माइनस टू एम टू वी टू ये M2 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर इसके साथ और फिर इस फैक्टर के साथ यहाँ पे हम लोग जो है ना वो v1 वन प्राइम वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और बाकी टर्म्स को जो है ना वो दूसरी तरफ ले जाते हैं देखें ये v1 वन प्राइम वाली टर्म इस तरफ पॉजिटिव है ना ये वाली इस तरफ नेगेटिव है तो हम लोग ये नेगेटिव वाली टर्म इस तरफ ले जाते हैं ताकि दोनों जो है ना वो वी वन प्राइम वाली पॉजिटिव जो है ना वो इस तरफ हो जाए और बाकी जो है ना वो इक्वेशन के दूसरी तरफ मैं शिफ्ट करने लगा हूँ येगा ये ये चले ये ना पहले पॉजिटिव वाली ये माइनस वाली लिख लेते हैं क्योंकि जो पॉजिटिव वाली टर्म होती है ना उनको पहले लिखा जाता है माइनस सॉरी प्लस इस तरफ आके हो जाएगा टू एम टू वी टू माइनस एम टू वी वन इज इक्वल टू एम वन वी वन प्राइम प्लस एम टू वी वन प्राइम ये चीज सिंपली हम लोगों ने ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर ये जो है ना प्राइम के बगैर वाली चीज़ एम टू वी वन और माइनस टू एम टू को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके गए हैं और इस चीज़ को इक्वेशन के इस तरफ शिफ्ट किया तो ये वाली चीज़ आ गई अब जी कॉमन अगर चीजें निकाली जा सकती हैं तो निकाल लें ताकि कुछ जो है ना रिजल्ट सिंप्लीफाई हो जाए ये दोनों टर्म्स जो है ना v1 जो है वो इसमें से वो कामन निकाल रहा है इस इन दोनों में से v1 वन कामन आ जाएगा और यहाँ से v1 प्राइम जो है ना वो कामन आ जाता है चले हम ना इनको बुक वाले की टर्म में ही लिख लेते हैं प्लस टू एम टू यहां पे आ जाएगा v2 और ये था हमारे पास माइनस एम टू वी वन है, ये माइनस एम टू वी वन और ये देखे ये वाली चीज बन गई अच्छा ये इन दोनों में से ना वी वन हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं जब वी वन कामन निकलेगा तो पीछे हमारे पास ये चीज बच जाएगी ना इसको लिख सकते हो एम वन माइनस एम टू इन टू वी वन प्लस टू एम टू वी टू इज इक्वल टू इस साइड से हमारे पास आ जाएगा वी वन प्राइम कामन तो वी वन प्राइम को कॉमन निकाल लेते हैं पीछे बच गया एम वन प्लस M2. हमारा ऑब्जेक्टिव है जी वी वन प्राइम को फाइंड आउट करना तो ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है एम वन प्लस एम टू का फैक्टर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो, तो हमारे पास सिर्फ वी वन प्राइम जो है ना वो बच जाएगा एम वन प्लस एम टू दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देते हैं एम वन माइनस एम टू इंटू वी वन प्लस टू एम टू वी टू होल थिंग डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू वी वन प्रॉइंट अच्छा जी तो इक्वेशन की साइड भी मैं चेंज कर रहा हूँ ये वी वन प्राइम इस तरफ और ये वाली चीजें और ये जो एम वन प्लस एम टू है ना उसको अलग अलाद अलग लिखते हैं इस चीज के नीचे अलग-अलग से और इस चीज़ के नीचे अलहदा से जो है ना वो लिख लेते हैं और हम मैथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ऐसे स्टेप्स सो हमारे पास चीज बन गई है जी वी वन प्राइम वी वन प्राइम इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इंटू वी वन प्लस टू एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू और ये वाली चीज आ जाएगी वी टू इधर ले जी एक रिजल्ट हमारे पास निकल आया है के बाल एम वन की टकराने के बाद विलासती निकालने का फार्मूला जो है ना वो कुछ इस तरह से होगा ठीक है ये हमारे पास आ गया फार्मूला अब दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमने बाल एम ये एम वन के लिए है एम टू के लिए भी इसी किस्म का ना फार्मूला निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम दोबारा से इक्वेशन 3.16 के पास जाते हैं 3.16 इक्वेशन को ना मैं दोबारा से चले लिख लेता हूं 3.16 इक्वेशन नाउ फ्रॉम 3.16 क्या है जी 3.16 3.16 था हमारे पास v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्लस v2 प्राइम पहले हमने v2 प्राइम की वैल्यू निकाल के रखी थी ना अब v1 प्राइम की वैल्यू इसी इक्वेशन से निकालते हैं तो v1 प्राइम की अगर मैंने वैल्यू निकालनी हो तो ये v1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा सो so, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्लस v2 प्राइम माइनस v1 अब ये वाले जो वैल्यू हमारे पास बनी है ना इसको इक्वेशन 3.14 में पुट करना है पुट इन ये वाले जो वैल्यू आई है ना v1 प्राइम की इसको हम लोग पुट इन इक्वेशन 3.14 और 3.14 इक्वेशन क्या है uh, 3.14 इक्वेशन थी हमारे पास अम uh, um, एम वन देख लेते हैं एक मतलब गलती ना हो जे एम वन इंटू वी वन माइनस वी वन प्राइम एम वन इंटू वी वन माइनस वी वन प्राइम इज इक्वल टू एम टू इंटू वी टू प्राइम माइनस वी टू ये वाली चीज हमारे पास जो है ना वो आ गई है वेल uh, well जी इसको हम लोग हम लोगों ने वी वन प्राइम की ना इसमें वैल्यू इन करनी है इस जगह के ऊपर से कि ये ना एक नेगेटिव सिंबल जो है ना वो मौजूद है तो ये नेगेटिव सिंबल जो है ना वो जगह चेंज जो है ना वो करवाएगी सो so, इस इक्वेजन में यहाँ पेजन पुट करते हैं वैल्यू तो बन जाएगा हमारे पास एम वन v1 माइनस ये सारी वैल्यू वी प्लस वी प्राइम सॉरी माइनस वी ये चीज और दूसरी तरफ बन जाएगा m2 इंटू वी प्राइम माइनस वी टू ओपन करते हैं इसको जी इस तरफ से तो ये चीज बन जाएगी एम वन इन साइड आ जाएगा वी वन माइनस वी टू माइनस वी टू प्राइम माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू प्राइम माइनस एम टू बी टू ये पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव है वन और ये दोनों प्लस और प्लस अच्छा तो ये टू वी वन जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ये देखें वी वन एक ये और एक ये वी वन टू वी वन जब एम वन से मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिख सकते हैं टू एम वन वी वन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एम वन तो बन जाएगा माइनस एम वन वी टू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस एम वन इंटू वी टू प्राइम इज इक्वल टू एम टू वी टू प्राइम माइनस एम टू वी टू अब वी प्राइम वाली एक तरफ कर लें इक्वेशन क्वांटिटीज दूसरी जो है ना वी प्रा, प्राइम के बगैर वाली वो दूसरी तरफ कर लें तो पहली की तरह ये वाली टर्म दूसरी तरफ ले जाते हैं और ये टर्म इस तरफ जो है ना वो हम लोग मुंतकिल कर देते हैं तो आफ्टर रीअरेंजिंग जब इनको रीअरेंज करें तो ये चीज बन जाएगी टू माउस जो है ना M1, V1, ये इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगी ना v2 वाली तो चलें पहले इसको मैं लिख लेता हूं प्लस टू फिर ये नेगेटिव वाली माइनस एम वन वी टू इज इक्वल टू ये इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगी तो इसको हम लिख सकते हैं एम वन टू प्राइम प्लस एम टू वी टू प्राइम इन दोनों में से आ, इन दोनों में से वी टू जो है ना वो कॉमन आ जाएगा और यहां से वी टू प्राइम कामन निकाल सकते हैं ये रिश्का हो तो ये चीज बन जाएगी अब टू एम वन वी वन प्लस एम टू माइनस एम वन इंटू वी टू दूसरी तरफ, तरफ हमारे पास बन जाएगा वी टू प्राइम कामन आ गया पीछे बच गया एम वन प्लस एम टू। और पहले की तरह ये वाली जब हमने हमें, तो वी टू प्राइम की वैल्यू चाहिए ना तो जब ये वाली चीज दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगी तो हमारे पास बच जाएगा फिर ये दूसरी तरफ जाके इसके नीचे भी डिवाइड और इसके नीचे भी डिवाइड जो है ना वो हो जाएगा पहले मैंने दो स्टेप किए थे लेकिन अब मैं डायरेक्ट जो है ना ये जाकर डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको लिखा जा सकता है टू एम वन वी वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एम टू प्लस दूसरी टर्म आ जाएगी एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू और ये वाला वी टू यहाँ पे और ये हमारे पास फार्मूला बन गया है वी टू प्राइम का ठीक है आप वी टू प्राइम इस तरफ लिख लें और ये वाली सारी चीज जो है ना वो दूसरी तरफ लिख लें तो इस तरह से करके दोनों हम लोगों ने क्वांटिटीज़ जो है ना उनको फाइंड आउट कर लिया है एक वी वन प्राइम की वैल्यू और दूसरी वी टू प्राइम की जो वैल्यू है ना वो कैलकुलेट जो है वो हम लोगों ने की है इस तरह से ये जो है ये कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई कौन सी इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन नेक्स्ट हमारे पास कुछ ना स्पेशल केसेस हैं तो उन स्पेशल केसेस के लिए चले uh, जो है ना वो करके देखते हैं कि ये किस तरह से है स्पेशल केसेस ये अलग से शायद वो जो है ना वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में ये जो भी स्पेशल केसेस इसके देखने लगे हैं स्पेशल केस है हमारे पास व्हेन एंड एम टू आर इक्वल तो जब दोनों मैसेज जो है वो सेम हो तो फिर उस वक्त जो है ना वो क्या होगा जब दोनों मैसेज सेम हो तो फिर वो कह रहा है कि ये दोनों जो है ना वो आपस में विलास्टिस को इंटरचेंज कर लेते हैं अब मैसेज दोनों सेम हैं तो हम लोगों ने ये जो दो इक्वेशंस है ना इक्वेशन 3.7 और 3.18 जो हमने डिराइव की है अभी इनमें जहां जहां पे मैस आ रहा है ना वहां वहां पे हम लोगों ने सेम क्वांटिटी जो है ना वो रखनी है व्हेन